मेरी बेटी 7 साल की है और माशाल्लाह से 2-3 साल से रोजा रख रही है, लेकिन इस साल वो जिद कर रही है कि वो पूरी रोजा रखेगी और अल्हम्दुलिल्लाह भी रख रही है पूरे रोजा, लेकिन मैं उसको मना कर रही हूँ, तो क्या मेरे लिए ये गुनाह होगा? क्योंकि वो स्कूल भी जाती है, तो मुझे बहुत अफसोस आता कि मतलब रख के क्यों जा रही, इसलिए तो क्या मुझे मना करना चाहिए तो मैं गुनाहगार होंगी, या फिर मैं मुझसे उसको हाँ रखने देना चाहिए? देखिए, अगर अगर आसानी के साथ वो रख लेती है और उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है तो आप उसको रखने दीजिए, मत मना कीजिए। हाँ, उसे कोई तकलीफ हो जा रही है तो जाहिर है बच्ची है, नादान है, वो अपना नफा जी नुकसान नहीं जान पाएगी। तो अगर उसे तकलीफ पहुंचने वाली है, बीमार हो जाएगी या कोई परेशानी हो जाएगी, तो आप मना कर सकती हैं, वरना लेकिन अगर हालात नॉर्मल है तो रखने दीजिए। जी क्योंकि अभी उसके ऊपर फर्ज नहीं है ना, इसलिए मैं चाह रही कि उसको फोर्स ना करूं, लेकिन वो जिद कर रही कि मुझे नहीं, पूरा रखना है। तो वही बात तो मैं बता रहा हूं कि अगर रोजा वो रख सकती है और उसे जी इतना हिर्स है, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो रखने दीजिए। जी आप ओके बच्ची की कंडीशन देख करके फैसला कर सकती है ना सर। जी जी सही, लेकिन फिर भी कई बार कंडीशन देख के भी समझ नहीं आता ना, कि लगता कि रख भी लेगी, फिर लगता कहीं हो गया कुछ तो क्या करेंगे, ऐसा भी होता। गैप नहीं, गैप कुछ कर नहीं, करके कुछ भी नहीं रखवा होगा। सकते हो आप। हाँ, हाँ अगर ऐसा देखिए, कुछ कुछ नहीं लगे। होगा। वो जब स्कूल से घर आए तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए, बाहर धूप वगैरह में मत निकलने दीजिए, ज्यादा खेलने उलने मत दीजिए, थोड़ा उसको आराम करवाइए जब स्कूल से आए। तो इस तरह आप उसका केयर कर सकती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे रखते हैं माशाल्लाह, हम सब लोग देखते हैं। जी जजाकअल्लाह खैर।